हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास टेंथ हिंदी वर्णिका भाग टू का चैप्टर टू, जिसका नाम है ढहते विश्वास। इस चैप्टर का आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया है। तो यह उड़िया भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में। इसका बाद में जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। लेखक नहीं पूछ रहे, यहाँ कह रहे अनूदित है, ठीक ना। ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कहने का मतलब हुआ कि ढहते विश्वास कहानी जो है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। कहता है इस कहानी में किस राज्य का जिक्र है जिसमें कभी बाढ़ की समस्या आती है, मतलब पूरा पानी ही पानी भर जाता है, तो कभी सुखाड़ की समस्या आती है, मतलब पानी देखने तक को नहीं मिलता है। तो वो राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। इसीलिए तो इसको उड़िया भाषा में लिखा गया था। अगला, ढहते विश्वास कहानी के रचयिता कौन है, यानी लेखक पूछ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा था। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। तो उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। यहाँ कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, यानी कि किसने इसको लिखा? उड़िया भाषा में जब लिखा गया था तो किसने लिखा? तो आंसर होगा सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। और लक्ष्मी इस कहानी की प्रमुख नायिका है। लक्ष्मी का ही पूरा मतलब इसमें चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। कहाँ काम करता था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? लक्ष्मी के पास कुल 1 बीघा खेत था। कितना बीघा? 1 बीघा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी? तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। तहसीलदार के यहाँ चौका बर्तन करती थी, और उससे जो भी कुछ रकम मिलता था उससे यह अपना घर चलाती थी। लक्ष्मी तहसीलदार साहूकार के यहाँ क्या करती थी? अपना काम करती थी। उससे जो भोजन मिलता था, कुछ पैसे मिलते थे, उससे यह घर चलाती थी। और इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र इसका लक्ष्मी ही हो जाएगा। कौन होगा? लक्ष्मी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण है? तो वही जो कि ऊपर पूछा गया था, कुछ उसी से रिलेटेड है। ये किस राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का। तो कहाँ का चित्रण किया जाएगा? तो उड़ीसा का ही करेगा ना, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? वही क्वेश्चन फिर दे दिया, किस राज्य का? तो उड़ीसा हो जाएगा। देखिए तीनों का आंसर एक ही है, उड़ीसा। क्वेश्चन का टाइप देखिए, अलग अलग टाइप से पूछा गया है, बट आंसर सेम है। अगला क्वेश्चन, इसी तरह एग्जामिनर भी जो है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के पूछता है, ताकि बच्चे फंस जाएं। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया है? इसमें महानंदा नदी के बारे में दिखाया गया है कि महानंदा नदी से ही बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। तो इसके गांव के समीप भगवान शिव और माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर था, शिव जी और माँ मुंडेश्वरी जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव वालों ने बांध को मजबूत करने का प्रयास किया, कौन से बांध को? तो दलई बांध को। गांव वालों ने दलई बांध को मजबूत करने का प्रयास किया, यदि दलई बांध मजबूत रहेगा तो बाढ़ आने पे यह बांध नहीं टूटेगा, जब यह नहीं टूटेगा तो हमारे घर में, आंगन में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में पानी नहीं घुसेगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी का घर किस नदी के नीचे था? तो लक्ष्मी का घर क्या है, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था, किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी, कौन सा नदी हो जाएगा? देवी नदी। अगला, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो लक्ष्मी अपना बड़ा बेटा अच्युत को भेजा था, किसको भेजा था? अच्युत को। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी का घर किस चीज़ का बना था? तो लक्ष्मी का घर कच्चा था, कच्चा यानी घास मिट्टी का बना था, किसका बना था? घास मिट्टी का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि कटक से लौटा था, कहाँ से? कटक से। अगला क्वेश्चन, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुण निधि स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, ऑप्शन बी, गुण निधि। अगला, लक्ष्मी लक्ष्मण की डैश थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, कौन थी? पत्नी, और लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। अगला, लक्ष्मण डैश में रहता था, लक्ष्मण कहाँ रहता था? कोलकाता में, लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। अगला, तो टोटल 21 क्वेश्चन थे, तो आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।